नमस्कार, मैं हूं विवेक त्रिपाठी। एस्ट्रोलॉजी आईक्यू में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिग्नेचर की। हम जानेंगे कि कैसे एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति राजनीतिक कुशलता को हासिल करते हुए देश का प्रधानमंत्री बनता है। लेकिन उसके पहले आपसे एक सुझाव है कि क्या मुझे सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी को लेकर के ऑनलाइन कोर्स शुरू करना चाहिए। आपके अपने सुझाव क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो अब शुरू करते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सिग्नेचर को समझते हैं, विश्लेषण करते हैं। हमारे पास ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का सिग्नेचर है। अगर आप ध्यान दें तो ये पूरा सिग्नेचर बड़ा स्पष्ट तरीके से लिखा गया है, बहुत लंबा सिग्नेचर लिखा गया है। सारे आकार अक्षर जो बनाए गए हैं बड़े बराबर बनाए गए हैं, सबका अपना अपना महत्व है। एक एक करके चर्चा करते हैं। सिग्नेचर का लंबा होना लंबी आयु को दिखाता है, यही कारण था अटल बिहारी वाजपेयी 93 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई अटल बिहारी वाजपेयी जी की। सारे अक्षर बराबर हैं, ये दिखाता है व्यक्ति का धैर्यवान होना, ये दिखाता है नेतृत्व क्षमता का होना, ये दिखाता है व्यक्ति का प्रतिभावान होना। सारे अक्षर बराबर हैं। इस पूरे अक्षर में सारा जो लेटर है उन पर दबाव किसी पे ज़्यादा और किसी के ऊपर कम नहीं है। ऐसा व्यक्ति के अंदर हमेशा आप देखेंगे वो व्यवहार कुशल होता है। यही कारण रहा कि इनकी तारीफ विपक्षी दल के नेता भी करते थे और यहाँ तक कि नेहरू ने भी कह दिया था कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा ही बनेगा। अब आप समझिए, पहला जो लेटर है आ, ये पूरे लेटर से अलग है। आ फैला करके लिखा गया है और सभी लेटर से बड़ा है। ये नेतृत्व क्षमता को दिखाता है, लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है कि इनकी व्यक्ति बात मानेगा। सिग्नेचर में आप देखिए कि यहाँ जा पे कौन ये एंगल बना हुआ है और यहाँ अटल के ऊपर जो शिरोरेखा है इस पर एंगल बना हुआ है, कोण बना हुआ है। ऐसा व्यक्ति जुनूनी होता है, कर्मठी होता है, दिन रात एक कर देने वाला होता है, धुन का पक्का होता है। ऊपर आप शिरोरेखा देखिए तो ऊबर खाबर है, टूटी फूटी है। ऐसा व्यक्ति शंकालु होता है, शक करने की आदत होती है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी में आप देख सकते हैं, सिग्नेचर से समझ में आता है कि थोड़ा उनमें शंकालु प्रवृत्ति थी। कहीं पर भी मनी बैग नहीं बना, यहां बा और पा बहुत छोटे मनी बैग बने हुए, बहुत छोटे। बा और पा में बहुत बिल्कुल न्यूनता है, इसीलिए इनको धन की लालसा नहीं थी। इनके कभी भी बैंक बैलेंस कभी भी शायद ही कभी 5 लाख से ऊपर गया हो, कहीं धन की लालसा नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब अच्छा इच्छा था, क्योंकि आप देखिए सब जो अक्षर है वो थोड़े बहुत सिस्टमेटिक तो लिखे गए हैं, लेकिन कोई इस तरह से नहीं लिखा गया कि वो बड़ा प्रभावित करे। इसीलिए इनको लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। आप देखिए जो सिग्नेचर में आप यहाँ पर एक समझ सकते हैं कि ये दूरी अटल और बिहारी के बीच जो दूरी है और बिहारी और वाजपेयी के बीच जो दूरी है, ये इनकी वैवाहिक समस्या को दिखाता है। इन्होंने शादी नहीं की। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया भी था कि अगर दो शब्दों के बीच की दूरी ज़्यादा है तो विवाह में दिक्कत होगी। और यकीन मानिए अगर इनकी शादी हो भी गई होती तो पत्नी को छोड़ देते या तलाक हो जाता। ये बिहारी और वाजपेयी की जो बीच की दूरी है यही इनको अविवाहित भी बनाया। बिहारी और वाजपेयी में आप देखिए जो बड़ी ई की मात्रा है वो नीचे आके झुक गई है, तो ऐसा जब जो कोई सिग्नेचर बनाता है तो उसके पैर में दिक्कत आती है। यहाँ पर वाजपेयी में या और ये मात्रा के बीच दूरी बढ़ गई है, ये इधर लेफ्ट साइड जा रहा है, ये राइट साइड जा रहा है, ये अंतर विरोध को दिखाता है। यानी कि अंतिम समय में इनके खास खास लोग भी इनसे दूर चले जाएंगे। ये दिखाता है व्यक्ति अपने ही कुछ बातों में विरोध करने लगेगा। ये सब इनके सिग्नेचर में कुछ कमियां दिखाई देती हैं। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।